बंद करो, लॉकडाउन बंद करो, लॉकडाउन बंद करो। नमस्कार दोस्तों, एक मिनट चल रहा है, लोगों का स्वागत है। और अभी अभी जींद से एक बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से व्यापारियों ने अभी विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ उन्होंने व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी तरह के सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे, उसका हम एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। हम आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, बने रहिए हमारे चैनल पे, एक न्यूज चैनल पे देखते रहिए हमारी रिपोर्ट। आज जो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है सोमवार मंगलवार बंद का, उसके विरोध में हम सब इकट्ठा हुए हैं। और जो फैसला सरकार ने सोमवार मंगलवार का लिया है, ये तुगलकी फरमान है। व्यापारी इसके विरोध में है और हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और व्यापारियों में काफ़ी गुस्सा है और व्यापारी हताश है, निराश है और व्यापारी बिल्कुल सड़कों पर आ चुका है। ऐसे बार बार सरकार जो फैसले ले रही है, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, या तो सरकार इस फैसले को वापस ले, नहीं तो व्यापारी सड़कों पे आ गया है और दुकान खोलने पे मजबूर हो जाएगा। अब सरकार के फैसले को मानने वाला व्यापारी नहीं है, व्यापारी बिल्कुल मंदी की मार में है। व्यापारियों को जो लॉकडाउन में पीछे किया था, सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया, कोई बिजली के बिल माफ़ नहीं किए, कोई हाउस टैक्स माफ़ नहीं किया, ना कोई लोन माफ़ किया। आज व्यापारियों को आप गुस्सा कर देख रहे होंगे, व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं और सरकार को चेतावना चाहते हैं। हम अभी रणनीति बनाएंगे, अभी हमारी बैठक, हम सोमवार को प्रदर्शन कर सकते हैं, हमारी रणनीति बनेगी, अभी फैसला लेंगे और एक मीटिंग भी होगी, एक रणनीति, बहुत बड़ी रणनीति बनेगी और सरकार के विरुद्ध में व्यापारी सड़कों पर आने के लिए तैयार है। किस तरह प्रदर्शन किया? प्रदर्शन एक बहुत बड़ा भारी प्रदर्शन हो सकता है, हम सरकार का विरोध करेंगे और यहाँ से हम प्रदर्शन करते हुए नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ जाएंगे। ये एक लोकतंत्र देश है, कोई भी तुगलकी फरमान जारी करने से पहले हमारे व्यापारियों के बारे में जो फैसला लिया जाए वो व्यापारियों के प्रधानों को बुला करके उनकी सलाह से लिया जाए। आगे के लिए सरकार को ये चेतावनी देते हम कि अपने एसी में बैठ कर जो फैसला ले लिया, हमारी नाड़ पे क्रोध चला दिया, ये फैसला नहीं चलेगा। हमारे जो प्रतिनिधि हैं व्यापार मंडल के, उनको बुला कर ये फैसला लेना चाहिए था कि हम मंगलवार सोमवार बंद कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि जब तक मान्यता नहीं देंगे तब तक हमारा व्यापारी वर्ग नहीं मानेगा। ये कोई तुगलकी फरमान नहीं है, लोकतंत्र देश है। हम कुमा करके गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं, मंत्रियों को, क्या दो दिन की तनख्वाह मंत्रियों की कटेगी? हमारी दो दिन की कमाई बंद करते हैं आए हफ्ते, तो उनकी मंत्रियों की तनख्वाह कटेगी दो दिन की? मुख्यमंत्री की, हम इन्हें 8 दिन की तनख्वाह कटेगी उनकी? जब हमने हाथ जोड़कर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि जितनी भीड़ करोगे, जितनी छुट्टी करोगे, उतनी ज्यादा भीड़ होगी ग्राहक की, अगर आप खुला छोड़ दोगे तो ग्राहक धीरे धीरे आएगा, एक एक दो दो ग्राहक आएगा, हम उसको अच्छी तरह से अटेंड करेंगे, हम अपनी दुकानों को सैनिटाइज करेंगे, ग्राहक के हाथ धोवाएंगे, ग्राहक को सैनिटाइज करेंगे, हम गवर्नमेंट की हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमारी सलाह के बिना हमारी नाड़ पे क्रोध क्यों डरने लग रही है? हमारी सलाह तो होनी चाहिए। कौन प्रतिनिधि बुलाया आके भाई हम सोमवार मंगलवार बंद करेंगे? आने वाले समय में व्यापारी इस गवर्नमेंट का साथ नहीं देगा। अगर हमारी सलाह से कोई फैसला लेना है तो हम गवर्नमेंट का साथ देंगे, और हम सोमवार मंगलवार कतई बंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये हमारा अपना फैसला है। मेरा नाम वेदप्रकाश प्रधान, नुक्कड़ मार्केट सिंह। ने जो व्यापारियों के साथ कुठाराघात किया है, ऐसी बात सोचने से भी बहुत दूर है। क्या व्यापारियों का सिर्फ इतने कसूर था कि भाई शनिवार और इतवार को लॉकडाउन जो सरकार ने लागू किया था व्यापारियों पे, ये कौन सी अच्छी बात थी? व्यापारियों को इस बात की तकलीफ थी, तीस थी कि भी हफ्ते में 5 डे वीक जो है ना व्यापारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। व्यापारियों को अपना व्यापार चलाना है, सुख शांति से चलाना है, सुख शांति से चला रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार की ये नीतियाँ हैं के व्यापार के खिलाफ जितनी भी पाबंदियां वो ठोक दे, तो सरकार जेल तो भर सकती है व्यापारियों की, लेकिन व्यापारियों को मना नहीं सकती।
जब पब्लिक सरकार के कपड़े पाड़ेगी नहीं, जब सरकार ने पता लगेगा कि पब्लिक क्या है और व्यापारी क्या है। अब तो उनको ये पता नहीं है ना कि व्यापारी शांत है, व्यापारी कभी लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, सड़कों पे आता नहीं, सुचारू रूप से अपना व्यापार चलाता है। व्यापारी कभी नहीं चाहता कि किसी के साथ झगड़ा। तो किस तरह आंदोलन करेंगे आगे? आंदोलन का कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। ये सरकार ने सोमवार मंगलवार को जो लॉकडाउन किया ना, इसके बारे में दो दिन है, सरकार या तो इमीडिएट अध्यादेश जारी कर दे, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकती है। व्यापारी सड़कों पर भी आएगा, जेली भी भरवाएगा और व्यापार बंद भी करेगा, फिर पब्लिक देखेंगे भाई सरकार को कैसे पब्लिक बनाएगी और सरकार पब्लिक को कैसे बनाएगी। सरकार समझ जाए।